नाबालिग दलित मूक बधिर बच्ची के साथ हुआ सामूहिक दुष्कर्म। लालसोट उपखंड के मडावरी थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना प्रकाश में आई है। बगड़ी गांव में मूक बधिर बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने इंसानियत को तार तार कर दिया है। 9 अगस्त को इस संबंध में पीड़ित पक्ष ने मडावरी थाने में मुकदमा दर्ज करवाकर निष्पक्ष जाँच व न्याय की मांग की है। दुष्कर्म से पीड़ित बालिका को लालसोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं विभाग में मेडिकल करवाया गया। दौसा पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल ने घटना स्थल पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और मंडावरी थाने पर पहुंचकर परिजनों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सिंह चौहान, पुलिस उपाधीक्षक सतीश सिंह, नायब तहसीलदार सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। इस सारी कार्रवाई के बाद डीजी साहब से बात करने के बाद यहाँ पर मौके पर एसपी आया और मौका मायना के लिए एसपी यहाँ से गए हैं और मुझे लगता है कि जल्द ही कुछ होगा। अगर नहीं हुआ तो हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। आया कि कोई बच्ची है, बगड़ी गांव की बच्ची है, उसके बगड़ी गांव की बच्ची है, एससी कम्युनिटी की है, वो डम एंड डेफ है, उसके साथ अनैतिक कार्य हुआ है। 3-4 दिन पहले हमने उसको तस्दीक कराई, घर वाले आ गए हैं कंप्लेंट लेके, लड़की आ गई है, उसका मेडिकल मुआयना करा के एफआईआर देके कानून सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कितने लोगों को पकड़ा है सर इस मामले में? कितने लोगों को पकड़ा है? अभी एफआईआर आने के बाद में जितने लोग आएंगे उनके धरपकड़ के लिए अभियान शुरू करेंगे, अरेस्ट की जाएगी। ठीक है।